ये स्टोरी है एक ऐसे बच्चे की जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1997 की है। इस यंग लड़के ने इंडिया से निकलने के लिए एजेंटों के चक्कर में लग के इतने पैसे उड़ाए कि आप सोच भी नहीं सकते। यूके रिफ्यूज्ड, कनाडा रिफ्यूज्ड, इटली रिफ्यूज्ड, मलेशिया से ये डिपोर्ट होके आए। जब इंडिया थे तो इनकी गर्लफ्रेंड का वीज़ा लग गया ऑस्ट्रेलिया का। जब वो इधर आई, आप जानते हैं रिलेशनशिप में थोड़ी सी सेपरेशन आने की वजह से मन में तनाव बढ़ा, परिवार मान नहीं रहा था कि शादी करो क्योंकि लड़के की प्रोफाइल बहुत ख़राब थी। बट जो लड़की थी यानी हमारे जो क्लाइंट थे, उन्होंने अपने प्यार को खरा रखा, हमसे आके मिले और हमने उन्हें सलाह दी कि तुम बिना शादी के डिफेक्टो रिलेशनशिप रजिस्टर करा के भी बुला सकते हो। फिर ये सलाह लेने के बाद कुछ और एजेंटों से मिले जिन्होंने इनके मन में शंका पैदा कर दी। बट मैंने मैडम को अश्योरिटी दी थी कि अगर हम फाइल लगा रहे हैं, अगर हम वीज़े के आगे खड़े हैं, तो जो रिज़ल्ट आपको बताया वो रिज़ल्ट आएगा। और आपके आगे आज ये 485 ग्रांट उनका है। कुछ कारण करके वो वीडियो में नहीं आएंगे, बट हमें एक्सपीरियंस अपना बताएंगे कि कैसा रहा। मैडम प्लीज़ तुझे दसोगे जी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बाजवा इमिग्रेशन एंड स्पेशली फॉर हर्ष सर एंड तानिया मैम। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हमारे रिलेशनशिप को 8 साल हो चुके हैं वाह और आई गॉट माई वीज़ा यस्टरडे, सो वी आर सो हैप्पी। ऊपर वाला आपके साथ है इसका मतलब? हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ हैं और आपके गाइडेंस गाइडेंस के साथ ही हमने ये सारा कुछ किया। पहले मुझे बिल्कुल ऐसे हो गया था कि और एजेंटों के पास जाके हो ही नहीं सकता, बट जब आपके पास आई मैं, आपने मुझे प्रॉपर गाइडेंस दी कि ऐसे हो सकता है, तो आपने मुझे श्योरिटी दी, तो मैंने जैसा आपने बताया वैसे वैसे किया और आज हमारा वीज़ा मिल गया है। तो थैंक यू थैंक यू जी, सो थैंक मच सर। यू भरोसा हाँ जी, रखने के हाईली लिए। रिकमेंडेड सर। थैंक यू जी भरोसा रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं, और जो जो जवान बच्चे इंडिया बैठे हैं ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ कभी भी ना जल्दी का काम जो है वो शैतान का होता है, इस बात को समझिए। सो जल्दी ना करें, सेंसिबली डिसीजन लीजिए, हर काम बनता है। मेरी ज़रूरत है, आई एम अवेलेबल इन बाजू मेडिकेशन सिडनी। थैंक यू।